ब्लैक होल। इस नाम से आप सब फैमिलियर हैं कि ब्लैक होल क्या है। 2018 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से हिस्ट्री में पहली बार ब्लैक होल का फर्स्ट इमेज को कैप्चर किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एनीवे, इस यूनिवर्स में ब्लैक होल के साथ साथ एक और मिस्टीरियस और ब्लैक होल के तरह ही डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, जिसका नाम है व्हाइट होल। यस, व्हाइट होल। तो आखिर क्या है ये व्हाइट होल और क्या होगा अगर ये व्हाइट होल और ब्लैक होल का कोलिजन हो जाए? तो कहीं मत जाइए, ये एपिसोड आपके लिए एक यूनिक एपिसोड होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स के लिए क्यूरियस हैं तो क्यों ना आप साइंसस्कोप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स आखिर है क्या। ब्लैक होल ये वो लेजेंडरी ऑब्जेक्ट है जो कि हर उस चीज को कंज्यूम कर लेता है जो कि इसके कांटेक्ट में आता है। लेकिन व्हाइट होल, इससे शायद आप उतना फेमिलियर नहीं हैं। जहां पे ब्लैक होल सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, वही ये व्हाइट होल अपने अंदर से सब कुछ बाहर निकाल देता है। इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से पूरा ऑपोजिट है। ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं निकल सकता और व्हाइट होल में कुछ एंटर नहीं कर सकता। भले ही हम व्हाइट होल के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन व्हाइट होल ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। व्हाइट होल स्पेस में कई मिलियंस ईयर्स से मौजूद है। साइंटिस्ट मानते हैं कि व्हाइट होल्स पहले ब्लैक होल्स हुआ करता था। साइंटिस्ट ये सस्पेक्ट करते हैं कि करोड़ों साल के बाद ब्लैक होल व्हाइट होल्स बन जाते हैं और वो सब एनर्जीज और मैटर्स जिनको ब्लैक होल इतने सालों से कंज्यूम किया था, वो सब एनर्जीज और मैटर स्पेस में बाहर निकाल देता है। तो अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल का कोलिजन हो तो क्या होगा? हम सबको पता है कि हॉकिंग रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल श्रिंक होता है। अगर आपने हॉकिंग रेडिएशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस आई बटन में दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। एनीवे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल में उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मैटर ब्लैक होल में घुस जाता है वो पूरी तरीके से यूनिवर्स से डिसअपीयर या गायब हो जाता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये एक्चुअली होता है क्योंकि ब्लैक होल्स ऑलरेडी व्हाइट होल से टनल्स के द्वारा कनेक्टेड है जो कि स्पेस टाइम से बना हुआ है, और उसका दूसरा एंड किसी और एक यूनिवर्स पे खुलता है। इसका मतलब जब ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स से मैटर कंज्यूम करता है, वही मैटर व्हाइट होल के जरिए किसी दूसरे यूनिवर्स से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब इनफाइनाइट मैटर ब्लैक होल में घुसता है और इनफाइनाइट मैटर व्हाइट होल से बाहर निकलता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि व्हाइट होल्स हमारे यूनिवर्स से भी पुराना है। इससे ये भी पता चलता है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल मल्टीपल यूनिवर्स को भी डिस्क्राइब करता है। लेकिन ये कोलिजन यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता। हमको ये पता है कि हॉकिंग रेडिएशन के एमिशन की वजह से ब्लैक होल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर तब कोई ब्लैक होल एक व्हाइट होल के कोलाइड होने से पहले ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाइट होल एनर्जी और मैटर्स को बाहर निकालता है, इसके वजह से ब्लैक होल उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। शुरू में तो कुछ एनर्जी ब्लैक होल कंज्यूम कर लेगा, लेकिन बाद में वो ओवरफिल्ड हो जाएगा। लेकिन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कार्लो रुवेली के मुताबिक जब ब्लैक होल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, तब वो व्हाइट होल को क्रिएट करता है। ट्रेडिशनली हम सबको पता है कि हॉकिंग रेडिएशन के वजह से ब्लैक होल बहुत सारा मास लूज करता है और इसके वजह से ही ये श्रिंक होने लगता है, और ये श्रिंक होने का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये पूरे तरीके से वैनिश ना हो जाए।
लेकिन रुवेली ने कुछ और ही कहा। उनके मुताबिक ब्लैक होल इवेपोरेट और श्रिंक नहीं होता, बल्कि ये रिबाउंड होता है जब ये बहुत ही छोटा बन जाता है, और यही रिबाउंड उसको एक वाइट होल बना देता है। रुवेली के मुताबिक ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये एक इतना स्लो प्रोसेस है कि एक सन के साइज का ब्लैक होल को इस प्रोसेस से पूरा गुजरने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, जो कि शायद हमारे यूनिवर्स के एज से भी पुराना हो। रुवेली ये भी कहते हैं शायद बहुत सारे पुराने हाइपोथेटिकल ब्लैक होल्स को थियोरेटिकली बिग बैंग के पहले ही क्रिएट किया गया था, ताकि वो ब्लैक होल डिस्ट्रॉय होने के टाइम पर वाइट होल क्रिएट कर सके, और जिससे बिग बैंग हो और उससे हमारा यूनिवर्स का जन्म हुआ। अगर ये सच है तो शायद हमें अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन नॉर्मली हम ये जानते हैं कि अगर ब्लैक होल और वाइट होल का कभी कोलिजन हुआ तो ब्लैक होल वो सब मैटर्स और एनर्जीज को कंज्यूम कर लेगा जो वाइट होल से निकला था, और ब्लैक होल का साइज और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के मुताबिक स्पेस में जो गामा रे बर्स्ट होता है वो शायद वाइट होल से इजेक्ट होता है, लेकिन हमें अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर सच में ब्लैक होल और वाइट होल का कोलिजन हुआ तो वो यूनिवर्स का बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट में से एक होगा, और शायद हम इसके बारे में एक्चुअली में जान पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।